नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर साल हर फेस्टिवल पे या कोई भी ओकेजन हो उस पे कुछ करता है खास। जिस तरीके से नव वर्ष आने वाला है तो नव वर्ष पे भी हम लोग लखनऊ की प्रतिष्ठित शक्तियों से बात कर रहे हैं कि हमारे लखनऊ खास शख्सियत क्या कर रही है और किस तरीके से लोगों को शुभकामनाएं दे रही। तो शुभकामनाओं का सिलसिला चलता चला जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो आज हमारे बीच में है आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। तो इस नव वर्ष में सभी को क्या शुभकामनाएं देंगे और व्यापारियों के लिए नव वर्ष में क्या खास होने जा रहा है उनसे हम पूछेंगे। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। पिछले दो साल व्यापारियों के और नागरिकों के, सरकार के, सबके लिए बहुत कठिन रहे। हम सब लोग कहीं ना कहीं कोविड के चलते मानसिक रूप से भी उलझन में रहे और व्यापार जगत आर्थिक रूप से भी संकट में रहा। हम लोग ये विश्वास और आशा लेकर के चल रहे हैं कि ये जो नया साल आ गया, ये नया साल सभी के लिए मंगलमय होगा और कोविड की तीसरी लहर से हम सबको बचेंगे। इसमें हम लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ सबका व्यापार अपनी गति पर फिर वापस आएगा और ये साल जो आने वाला साल है ये तो बहुत ही अनोखा साल है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के चलते निश्चित रूप से नई सरकार से व्यापारियों की और जनता की बहुत सी उम्मीदें होती हैं और हम लोग ये आशान्वित हैं कि जो भी सरकार जनता के द्वारा चुनकर के आएगी वो सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगी और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। हाल ही में आप लोगों की जीएसटी को लेकर एक बैठक हुई थी, तो उसमें क्या है? 1 जनवरी 2022 से कपड़े पर और फुटवियर पर जीएसटी की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव था, जो 5% से बढ़ाकर 12% होना था। आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उस बैठक में वित्त मंत्री जी ने कपड़े पर जो वृद्धि होने वाली थी उसके निर्णय को वापस ले लिया, स्थगित रखा है उसको, लेकिन फुटवियर पर अभी फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स वित्त मंत्री जी से यह भी मांग करता है कि जिस प्रकार से कपड़े पर प्रस्तावित दर को स्थगित किया गया है, ठीक उसी प्रकार से फुटवियर पर भी वृद्धि को स्थगित रखा जाए, क्योंकि वैसे ही व्यापारी और जनता महंगाई के कारण बहुत परेशान है और जीएसटी का लगातार संग्रह बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में दरों को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। जीएसटी एक कठिन प्रणाली बनती जा रही है, वो कैसे सरल हो, कैसे आसान हो और व्यापारियों को कैसे इससे राहत मिले, इसके लिए एक टास्क फोर्स का नेशनल लेवल पर गठन होना चाहिए जिसमें देश के सभी शीर्ष व्यापारी नेताओं को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जीएसटी जिस अवधारणा के साथ देश में लागू की गई थी अपने मूल स्वरूप को पा सके। तो जैसे कि आप व्यापारियों की एकता के लिए बहुत बात करते हैं कि व्यापारियों की संगठन चाहे अलग अलग हो लेकिन व्यापारियों की समस्या एक है, तो सभी व्यापारियों से क्या आप आग्रह करना चाहेंगे और किस तरीके सबको एकजुट के लिए करने के लिए आप आगे जाके प्रयास करते रहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश के और देश के व्यापारियों से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की यह अपील है, सुझाव है कि आज व्यापार बहुत कठिन होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम सब लोग विदेशी ई कॉमर्स के चलते बहुत परेशान हैं, जो ट्रेडिशनल व्यापारी है उनका व्यापार बहुत प्रभावित है। ऐसे में एक तरफ तो हम लोग विदेशी ई कॉमर्स का विरोध कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यापारियों को इस हेतु भी जागरूक करेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग अब व्यापार करने की नई विधा है, तो इससे बचा नहीं जा सकता, इसके केवल विरोध से अपना व्यापार नहीं बढ़ने वाला। हम सबको भी ऑनलाइन ट्रेडिंग पे आना पड़ेगा, हम लोगों को भी व्यापार की इस नई विधा को अपनाना पड़ेगा। तो हम सब लोग अपने व्यापार को भी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और अन्य अनेक माध्यमों से किसी भी तरीके से ऑनलाइन आए, ताकि हमारा व्यापार भी और बढ़े। साथ ही साथ चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में हम लोग अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की चोट से ही अपनी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो वोट ही होता है। ऐसे में समस्याओं का स्थायी समाधान यदि हमें चाहिए तो हमें वोट का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ
आदर्श व्यापार मंडल ये मुहिम चला रहा है कि इस चुनाव में व्यापारी समाज गेम चेंजर होगा, अब के व्यापारी खिलाड़ी होगा, दर्शक नहीं होगा। इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम सब लोग कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की साजिश के शिकार हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे के तहत जनता को जाति और धर्म के खाचे में बांटती हैं। हम सब लोगों को इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे का शिकार नहीं होना है। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है, जाति धर्म के खाचे में नहीं बंटना है। किसान के बाद व्यापारी सबसे बड़ा वोट बैंक है। व्यापारियों में सभी जाति के और सभी धर्म के लोग शामिल हैं। यदि हम लोग व्यापारी बनकर के वोट देंगे और जाति धर्म के खाचे से ऊपर उठ करके वोट देंगे तो निश्चित रूप से व्यापारियों के वोट से ही सरकार बनेगी। व्यापारी जिसको चाहेगा उसी दल को बहुमत मिलेगा, वही दल सत्ता में आएगा और समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए अपनी चुनी हुई सरकार हम लोग हमारे वोटों से ही बने, हम उसमें निर्णायक हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी व्यापारियों से आदर्श व्यापार मंडल की अपील है कि मतदान अवश्य करें और जाति धर्म के खांचे से ऊपर उठ करके मतदान करें। एक सवाल हम आपसे और करें चलते चलते, हाल ही में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें आपने सभी पार्टियों के मांग पत्र जारी किया था, मांग पत्र दिया था, तो उसके बारे में कुछ निष्कासित हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अपना मांग पत्र दे चुके हैं, उनको हम लोग समाजवादी पार्टी को अपना मांग पत्र देंगे। जो हमारी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा उसको ही हम लोग इस चुनाव में 3 जनवरी को आप समाजवादी पार्टी को अपना मांग पत्र तीन जनवरी को देंगे। ठीक है सर जी, तो चलते चलते सभी देशवासियों को नववर्ष की क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से प्रदेश के सभी व्यापारियों को, जनता को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ये नया साल सभी के लिए मंगलकारी हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो। जो योजनाएं हमारी पिछले साल पूरी नहीं हो पाई इस नए साल में पूरी हो जाएं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। जिस तरीके से व्यापारी कोरोना काल में बहुत परेशान हुआ, उस पर जीएसटी की मार को लेकर के व्यापारियों ने भी बहुत सारी मांग रखी सरकार से, तो आगे चलकर के क्या हाल होता है वो तो 2022 में पता चलेगा। लेकिन उनके साथ में एक अपील भी संजय गुप्ता जी ने कही कि जो विधानसभा 2022 विधानसभा के चुनाव है उसमें व्यापारी जो बनेंगे वो गेम चेंजर बनेंगे। और हाल ही में जो जीएसटी को लेकर एक बैठक हुई है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? तो इसी के साथ में अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, ऐसे ही बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में, देखते रहिएगा कि आखिर नव वर्ष पे सभी देशवासी क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं और किस तरीके से नव वर्ष को पूरे जोश उल्लास के साथ मना रहे हैं। धन्यवाद। मैं विवेक गुप्ता उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से हंगामा टाइम्स के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अनुज गुप्ता उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का सदस्य होने के नाते हंगामा न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके नए वर्ष के लिए सुख और समृद्धि की बधाइयां देता हूं। नाम अंकित कुमार, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से हंगामा टाइम न्यूज को हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।